हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव, सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड डाइटिशियन। लास्ट वीडियो में जैसे मैं डिस्कस कर रही थी कि क्या क्या रीजंस हैं हमारा वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, इसी में आज मैं डिस्कस करूँगी कि इम्पॉर्टेंट रीज़न, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो भी आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। विटामिन डी हमारे वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। कैसे? विटामिन डी जो है हमारे फैट सेल्स को इकट्ठा नहीं करने देता है, दूसरा बॉडी फैट को रिड्यूस करता है, और विटामिन डी एक हार्मोन सेरोटोनिन हार्मोन को रिलीज़ करता है। ये सेरोटोनिन हार्मोन्स हमारी एपेटाइट को सप्रेस करता है, हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती है। दूसरा, विटामिन डी हमारे जो एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको भी रेगुलेट करता है। ये हार्मोन्स हमारे वेट लॉस इफेक्ट को ट्रिगर करता है। इसलिए अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं आप लोग, उसके बाद भी अगर आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है तो आप एक बार अपना विटामिन डी लेवल ज़रूर चेक करवाइए, क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी है आपकी बॉडी में, जो कि अधिकतर जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनमें विटामिन डी कम पाया जाता है, तो अगर आपके पास विटामिन डी की कमी है बॉडी में तो आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे, आपका वेट लॉस बहुत स्लो होगा। तो आज हम इसी विटामिन डी के बारे में बात कर रहे हैं। विटामिन डी को एक जानते हैं आप सनशाइन विटामिन बोलते हैं, जो कि हमें नेचुरली जो है सूरज की रोशनी से मिलता है। तो 10 बजे के पहले ज़रूर कोशिश करें कि आप जो है मॉर्निंग का, जब सन की धूप ले सकें मॉर्निंग में सवेरे, जिससे कि आपका जो विटामिन डी है वो बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली उसको बनाए। और मेन विटामिन डी में जो सप्लीमेंट है उसमें विटामिन D3 सबसे इम्पॉर्टेंट है। विटामिन D1 भी है, D2 भी है, D3 भी है, लेकिन अगर आप जब सप्लीमेंट लेते हैं तो उसके लिए उसमें जो है मेन आपका जो सप्लीमेंट में विटामिन D3 होना चाहिए। तो लेकिन जो विटामिन डी लेना है आपको वो बॉडी वेट के हिसाब से है, तो आप अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार से लीजिए कि कितना आपका विटामिन डी की वैल्यू आई है और डॉक्टर आपको कितनी डोज रिकमेंड करेगा। अपने मन से आपको विटामिन डी नहीं लेना है, क्योंकि विटामिन डी का जो टैबलेट्स हैं उसका कितना mg लेना है, कितना यूनिट्स लेना है, वो आपका बॉडी वेट से रिलेट है। तो डॉक्टर जितनी सलाह दें जिस तरह से उस तरह विटामिन डी ले, क्योंकि विटामिन डी के ज़्यादा लेने के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर विटामिन डी आपको पता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो अगर आप ज़्यादा ले भी लेते हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन और जो विटामिन है वो तो अगर ज़्यादा बॉडी में हो जाएंगे तो वाटर में सॉल्युबल होके वो आपका बॉडी से निकल जाएंगे, लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो एक्सेस हो जाएंगे तो वो टॉक्सिसिटी करेंगे आपके बॉडी में। तो विटामिन डी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि आपको स्टमक पेन हो सकता है, आपको नौजिया वॉमिटिंग हो सकता है, इवन आपका किडनी फेलर भी हो सकता है। इसलिए आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही विटामिन डी लीजिए। नॉर्मल जो वेजिटेरियंस हैं उनमें अधिकतर विटामिन डी की कमी पाई जाती है, क्योंकि वेजिटेरियंस में बहुत कम चीज़ों में विटामिन डी पाया जाता है। मेन ये जो है हमारे सैल्मन फिश, टूना फिश, फिशेज में ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा जो है मशरूम्स में है, और काउ मिल्क में है, एग योक में है, इसमें में विटामिन डी है। प्लस अब गवर्नमेंट क्या है, फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड ऑरेंज जूसेस या फोर्टिफाइड सोया मिल्क आप अगर खरीदेंगे सोया मिल्क वगैरह या ऑरेंज जूस, किसी में लिखा होगा इट इनरिच इन विटामिन डी, क्योंकि जो है कुछ कंपनी इसको फोर्टिफाइड कर रही है। फोर्टिफाइड मीन्स वो इन सोया मिल्क वगैरह में विटामिन डी को ऐड कर रही है। तो ये आप लेंगे तो आपको विटामिन डी आपकी बॉडी को मिल जाएगा। और सबसे अच्छा है कि आप साल में एक बार अपना विटामिन डी चेक कराएं, अगर उसकी वैल्यू कम है तो 3 मंथ को आप विटामिन डी सप्लीमेंट ले लें, जिससे कि आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल मेंटेन रहे, क्योंकि ये हमारे वेट लॉस जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरी और भी वीडियो इस तरह मैं बना रही हूँ। और क्या कहते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वेट लॉस जर्नी में मेरी हेल्प ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मैं प्लान कर रही हूँ विंटर वेट लॉस डाइट प्लान का, जिसको कि आप फॉलो करके 1 मंथ में 5 to 6 kg लूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1 मंथ में 10 kg, 20 kg ये सब वेट लॉस इतना करना बहुत ही हेल्दी नहीं है।
मैं हमेशा हेल्दी डाइट प्लान्स आपको बताऊंगी, जिससे कि आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहे और आपका जो है वेट लॉस भी हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।